दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में कुछ ऐसी चीजों को बनते हुए दिखाने वाले हैं जिनका उपयोग हम अक्सर करते आए हैं, पर इन सभी चीजों को फैक्ट्री में किस तरह से हमारे उपयोग के लायक बनाया जाता है ये शायद ही आपको पता होगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार और नॉलेजफुल वीडियो। नट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों नट बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की बड़ी बड़ी और मोटी रॉड्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इन रॉड को एक कटर मशीन में डालकर इसे निश्चित आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इन कटे हुए छोटे टुकड़ों को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक लाइन में सेट करके रख दिया जाता है, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन टुकड़ों को एक फर्नेस के अंदर से गुजारा जाता है, जहां उन्हें लाल होने तक गर्म किया जाता है। फिर इन लाल हुए स्टील के टुकड़ों को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखा जाता है, जहां इन्हें हाइड्रोलिक मशीन की मदद से प्रेस करके इन्हें चपटा किया जाता है। फिर दूसरी हाइड्रोलिक मशीन से प्रेस करके इन्हें षटकोणीय आकार में बना दिया जाता है। उसके बाद फिर से इन्हें आगे लगी दूसरी हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखकर प्रेस करके इसके बीच में सुराख बना दिया जाता है। उसके बाद इन सभी नट्स को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर कुछ देर तक इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद शुरू होता है इन नट्स को पॉलिश करने का काम, जिसके लिए सबसे पहले इन सभी नट को एक कंटेनर में डाला जाता है। जहां कुछ देर तक रखने के बाद इन नट्स को बाहर निकाल लिया जाता है। पॉलिशिंग होने के बाद अब बारी आती है इन नट्स के अंदर चूड़ी बनाने की, जिसके लिए इन सभी नट्स को एक एक करके चूड़ी बनाने वाली डाई के नीचे रखा जाता है, जहां इस मशीन में लगी हुई डाई नट के अंदर घूमते हुए इन्हें अंदर से काटते हुए इसमें चूड़ी बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद ये नट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। बोल्ट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बोल्ट बनाने के लिए भी स्टील की रॉड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले स्टील रॉड को एक हाइड्रोलिक कटर में फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद यह हाइड्रोलिक कटर इस रॉड को निश्चित किए गए छोटे छोटे टुकड़ों में काटता जाता है। उसके बाद इन सभी टुकड़ों को एक एक करके एक फर्नेस के अंदर डालकर इन्हें गर्म होने के लिए कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है और फिर गर्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक फर्नेस स्टील के इन टुकड़ों को एक एक करके बाहर निकाल देती है। उसके बाद इन टुकड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर इन्हें हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा प्रेस कर दिया जाता है, जिससे बोल्ट का ऊपरी भाग बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद एक बार फिर से उसे हाइड्रोलिक मशीन पर रखकर प्रेस किया जाता है, जिससे इसका ऊपरी सिरा षटकोणीय आकार में बन जाता है। उसके बाद इन बोल्ट के ऊपरी भाग के पूरी तरह से बन जाने के बाद इन्हें कंटेनर में इकट्ठा करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन बोल्ट पर लगे वॉशर के रिंग को एक हाइड्रोलिक मशीन पर रखकर प्रेस करके इन्हें दूसरी जगह पर रख दिया जाता है। बोल्ट पर लगी रिंग्स को हटाने के बाद उन्हें कंटेनर में इकट्ठा करके पॉलिशिंग मशीन तक लाया जाता है। उसके बाद इन सभी बोल्ट को मशीन के अंदर डालकर अच्छी तरह से उनकी पॉलिशिंग की जाती है। उसके बाद इन सभी बोल्ट्स को एक एक करके चूड़ी बनाने वाली डाई के बीच में रख दिया जाता है, जिससे वो डाई बस कुछ ही सेकंड्स में इन बोल्ट के ऊपर चूड़ियां बनाती जाती हैं। चूड़ियां बन जाने के बाद ये बोल्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।